मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बेसिक में बात करती हूँ फैशन वीडियो एंड लाइफ स्टाइल की। आज इस वीडियो में बात होगी सर्दियों में ओठों की देखभाल कैसे करें, जो हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी कि विंटर लिप केयर के बारे में कुछ बताएं। और ये सही भी है, अक्सर क्या होता है कि हम लोग अपने चेहरे अपने बालों को ध्यान देते हैं लेकिन ओठों को हम लोग भूल जाते हैं, जबकि ओठ हमारे सर्दियों में बहुत ड्राई होते हैं, बहुत फट जाते हैं, इसकी मॉइस्चराइजर खत्म हो जाती है जो बहुत पेनफुल होते हैं। यू नो डैट, क्योंकि लिप जो हमारे होते हैं वो खूबसूरती की वजह होती है और इसे हम लोगों को बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत रखने चाहिए ताकि जो हमारी छोटी सी स्माइल है वो भी बहुत खूबसूरत दिखे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बताती हूँ इस वीडियो में, लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहला है कि विंटर में लिप केयर के लिए हमें करना होगा स्कर्ब, और स्कर्ब के लिए चीनी, एक चम्मच मैंने चीनी ले रखी हूँ देखें, और इसमें कोकोनट ऑयल को करने हैं मिक्स। तो चीनी और कोकोनट ऑयल के कुछ बूंदों को मिक्स करके अप्लाई मिक्सिंग कोकोनट ऑयल विद शुगर पेस्ट अप्लाई लिप एंड राउंड अप डाउन अप डाउन राउंड टू राउंड हम लोग को करने हैं लिप को मसाज, जैसे हम लोग अपने फेस को करते हैं बॉडी को करते हैं उस तरह से हमें अपने लिप को भी बहुत ध्यान देना है। तो ये हो गए हैं हमारे स्क्रबिंग तैयार, और इसे हम लोगों को अपने लिप अप्लाई करके अप टू अप राउंड राउंड टू राउंड हमें करने हैं मसाज, और उसके बाद इसे कर लेना है वॉश। इससे क्या होंगे कि हमारे ओठ बहुत होंगे सॉफ्ट और हमारे जो इसमें आ चुकी होगी दरारें वो भर जाएगी। स्कर्ब इज द बेस्ट फॉर द विंटर एंड डे टू डे टाइम टू टाइम जब आप फ्री हो तो आप इसे अप्लाई करें, मतलब जब भी आपको फ्री हो किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है। आप जब टाइम आपको जिस समय आप फ्री हो आपको बस करने हैं हम लिप को स्कर्ब। लेकिन हाँ, स्कर्ब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द विंटर एंड नो स्किप द स्कर्ब। एंड सेकंड मेरा है गाइज मॉइस्चराइज करने हैं, तो लिप को हमें करना है मॉइस्चराइज, क्योंकि जब हम लिपस्टिक करते हैं अप्लाई तो लिपस्टिक हमारे सारे मॉइस्चराइज को छीन लेते हैं और हमारे ओठ बहुत ड्राई हो जाते हैं, चाहे वो समर हो विंटर हो या कोई भी वेदर हो, हमारे जो लिपस्टिक है वो सारे मॉइस्चराइजिंग को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और हमारे ओठ हो जाते हैं बेजान। और बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को लिपस्टिक से एलर्जी भी होती है, प्रॉब्लम होती है जैसे वो लिपस्टिक अप्लाई करते हैं और उसके बाद उनके ओठ बहुत फटे फटे और बहुत देखने में अजीब लगते हैं, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसके लिए करना है हम लोगों को मॉइस्चराइजिंग, और विंटर में ख़ास तौर पर हमें ओठों को मॉइस्चराइज करना है, जैसे हम लोग बॉडी मॉइस्चराइज करते हैं फेस मॉइस्चराइज करते हैं। तो सबसे अच्छा मॉइस्चराइज इज़ द बेस्ट फॉर द मलाई, मलाई बहुत अच्छे से हमारे ओठों के लिए काम आते हैं, और हमारी मम्मी और हमारे दादी लोग के लिए घरेलू नुस्खे भी है कि मलाई से हमारे ओठ कभी भी नहीं फट सकते हैं। तो इस मलाई को लेने हैं और रात में सोने से पहले अपने ओठों पे लगाकर छोड़ देने और सुबह उठकर अपने ओठों को धो लेने, देखेंगे कि ओठ बहुत ही मुलायम सॉफ्ट और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो मलाई तो बहुत पहले ज़माने से ही अप्लाई किए जा रहे हैं, तो नो स्किप द मलाई एंड अप्लाई नाइट टू नाइट मलाई। एंड मेरा थर्ड ऑप्शन है कि आप कोई भी बाम रेगुलर यूज करें, मतलब डेली रूटीन में, विंटर का अगर मौसम है तो डेली रूटीन में आप अपने ओठों को बाम से करें। तो ये है मेरा हिमालय लिप बाम। आप कोई भी अपने एक्सपेंसिव, अपने ज़्यादा एक्सपेंसिव लेने नहीं, ये काम वही करते हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है वैसलीन पेट्रोलियम जेल, जो हर किसी के घर में अवेलेबल होते हैं। तो बस अपने बाम को रखने हैं अपने पास, और जब भी इसे जब भी हमें टाइम मिले बस इसे निकाल कर अपने ओटो को कर लेने हैं मॉइस्चराइज। तो बाम इज़ द बेस्ट ऑप्शन तो मॉइस्चराइज। बहुत लोगों को मलाई से एलर्जी भी होती है या फिर मलाई उन्हें स्मेल अच्छे नहीं करते हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप पेट्रोलियम जेल या कोई भी लिप बाम लगाएं, बस याद रखें कि रात में लगाना है। एंड मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप एलोवेरा जेल में वैसलीन को ऐड करके मिक्स करें। तो करना है कि एलोवेरा जेल को हमें ले लेने हैं किसी
ये हो गए हमारे एलोवेरा जेल, मैं हैंड पेंट करके आपको दिखा दे रही हूँ। एंड वैसलीन पेट्रोलियम, कोई भी पेट्रोलियम जेल ले सकते हैं, इसमें करने हैं इसे मिक्स। एक बूंद कोकोनट ऑयल और इसे मिक्स करके अपने ओठों पे राउंड टू राउंड जैसे मैंने लगा कर दिखाई है, इसे लगा कर अप डाउन सर्कुलर मसल में राउंड टू राउंड करके कुदेस फिंगर से मसाज करने हैं। ऐसे रात तक आप इसे छोड़ दें, सुबह होकर आप देखेंगे कि आपके ओठ बहुत ही पिंक लाइट एंड बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। तो प्लीज़ ट्राई इट, द ये जो मैंने बताई हूँ आप एक बार ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड लास्ट में मैं देने वाली हूँ छोटी सी टिप कि आप पानी ज़रूर पिए। ये मेरा हर वीडियो में सजेस्ट है क्योंकि पानी विंटर में हम लोग क्वांटिटी कम कर देते हैं, जो हमारे नरिशमेंट मॉइस्चराइजिंग और सारे त्वचा को ड्राइनेस कर देती हैं। पानी से क्या होता है, हमें नमी मिलती है और जो हमारे लिप पर बार बार जो मैं वाटर यूज करते हैं ग्लास से बोतल से, तो हमारे ओठ भीगते हैं और जब ओठ भीगे हुए रहते हैं तो हमारे ओठ कभी भी फट नहीं सकते हैं। तो आप पानी 7 से 8 ग्लास पर डे यूज करें, अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर एंड लिप बॉडी हर सभी हमारे मॉइस्चराइज हो जाते हैं। एंड लास्ट में ओठों को सुंदर बनाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो हो गए घरेलू नुस्खे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक छोटी सी स्माइल हमारे ओठों को बहुत खूबसूरत कर देती है। चाहे हम कोई भी प्रोडक्ट लगाए, कोई भी एक्सपेंसिव लगाए, वो उतनी अप्लाई नहीं करती है जितनी हमारी की स्माइल करती है। एक छोटी सी स्माइल हमारे लाइफ और हमारे ओठ दोनों को बहुत खूबसूरत बना देती है। तो गाइज, आप अपने चाहे जो भी आपके साथ जो भी मेकअप रहे, मेकअप का कोई रूल नहीं होते, ये करना है नहीं करना, तो आपको बस रखनी है एक छोटी सी स्माइल और स्माइल इज़ द पावर ऑफ द बॉडी एनर्जी। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो या फिर आपको इससे बहुत सारे फ़ायदे मिले हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।